कल एक नेता बिहार से आए थे हेलीकॉप्टर से, अब उनका स्वागत है हमारे क्षेत्र में, हमारे भाई हैं। लेकिन भाषण देने से पहले हम सोचे कि तेजस्वी जी एक बात जरूर बोलेंगे कि हमारे पिता ने ही कहा था कि झारखंड हमारे लाश पर बनेगा, यह बात तेजस्वी जी को थानापुर के धरती पर बोलना चाहिए था और यहीं से शुरुआत करना चाहिए था। और जब यह बात वो यहां से शुरुआत करते तो हम लोगों को सुनने में भी मजा आता कि यह झारखंड जब आपके पिताजी के कहे हुए लाश पर बना तो निश्चित तौर पर लालटेन को बुझा करके बना होगा, और फिर उसी लालटेन को जलाने के लिए आप कैसे आग्रह करने आए हैं यह जनता को आपको बताना चाहिए। मन सिहर जाता है जब लालटेन का जुग याद आता है, मन सिहर जाता है, रोवा खड़ा हो जाता है जब लालटेन का युग याद आता है। शाम के 5 बजे दुकान का शटर गिर जाता था, महीना में 6 दिन दुकान बंद होता था, दिन दहाड़े हाथ पर बांध करके लोगों को पीट दिया जाता था, ले भी ले लिया जाता था। कितनी हत्याएं हुई, कितने लोग घर से पलायन हुए, कितने केस मुकदमा हुआ, कितने लोग जेल के सलाखों के पीछे गए, कहानी बड़ी लंबी है। लेकिन एक दो बात तो कहना बनता है, यही लालटेन का युग था, यही कैलान में कैलान के मुखिया बहुत ही भद्र नेता बिपिन यादव जी को लाठी से पीट पीट करके लालटेन के समय में हत्या कर दिया गया था, यह बात भी याद करने की जरूरत है। और यह बात भी याद करने की जरूरत है कि जो कल मंच पर चढ़ करके संविधान बचाने की बात कर रहे थे, उन्होंने ही लालटेन के युग में धुरकी के लोल्ड की घाट में उस समय के विधायक के प्रतिनिधि पुतुर गांव का होनहार बेटा सूर्यदेव यादव को पीट पीट करके मार दिया था, यह बात भी याद करना चाहिए। और यह बात भी याद करना चाहिए कि पुतुर गांव का ही होनहार बेटा जयप्रकाश यादव को सैकड़ों की संख्या में जनता के बीच में दिन दहाड़े गोली अगर किसी ने मारा, कल उस मंच पर खुलेआम बैठा था ताहिर अंसारी ने लालटेन के समय में पुतुर में गोली मारने का काम किया। जब यह बात मन में याद आता है तो लालटेन के जुग से कलेजा कांपने लगता है। यह बिजली का जुग है, यह मोदी का जुग है, यहां 20 घंटा बिजली मिलता है। अब लालटेन का बाती भी खोजोगे तो भानापुर बाजार में बाती भी नहीं मिलेगा, और आए हो लालटेन जलाने के लिए कहने बाती कहीं से मिल गया बर्नल नहीं मिलेगा बहादुर, बर्नल कहीं से खोज लिया शीशा नहीं मिलेगा, और शीशा भी पैसा मांग लिया तो माटी तेल नहीं मिलेगा, यह मैं आपको कहने और बताने आया। बिजली के युग में लालटेन जला रहे हैं, और गाड़ी के युग में, घोड़ा के युग में, मोटरसाइकिल टेम्पू और स्कॉर्पियो के युग में कुछ लोग सीढ़ी चढ़ा के हाथी पर बैठा रहे हैं, हाथी पर बैठा रहे हैं, चढ़ जा बेटा सुलीतान रक्षा करेगा भगवान। हाथी को तो हम नहीं जानते हैं, कम जानते हैं, लेकिन महाउत को हमरा से बढ़िया कोई नहीं जानता। हाथी को हम कम जानते हैं लेकिन महाउत को हमसे बढ़िया कोई नहीं जानता है। दूध चूड़ी यहां से घस गल है, अब गलती से वो हाथी पर कोई चढ़ गया तो समझ लीजिए
अंजरी पंजरी जाना निश्चित है, आपका हाथ पर टूटना निश्चित है। इसलिए एक ही विकल्प है, नरेंद्र भाई मोदी और केवल नरेंद्र भाई मोदी, दूसरा कोई विकल्प नहीं है मेरे साथियों। भारतीय जनता पार्टी जी